पुलिस थाना बेटमा द्वारा अवैध शराब तस्करी करते हुए दो युवकों को 10 पेटी देशी शराब के साथ धर दबोचा। गश्त के दौरान सूत्रों से मिली सूचना के अनुसार शमशान घाट के पीछे देपालपुर रोड पर दो अज्ञात व्यक्ति अवैध रूप से शराब लेकर खड़े थे, जो कि पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसे लेकर पुलिस द्वारा पूछताछ की गई, जिसमें दोनों ने अपना नाम कपिल पिता प्रेमदास बैरागी उम्र 22 वर्ष निवासी बेटमा और दूसरे व्यक्ति का नाम गोपाल पिता रमेश सोनी उम्र 22 वर्ष बेटमा बताया है, जिसके पास से बेटमा थाना पुलिस ने 10 पेटी अवैध शराब जब्त की है, जिसकी कीमत तकरीबन 50,000 रुपये बताई गई है। बेटमा से संवाददाता की रिपोर्ट। बेटमा कस्बे के दो लड़के कपिल और गोपाल सोनी, ये दोनों यहाँ पे शराब लाके और कई गांव में एक एक पेटी सप्लाई करते थे, इनके पास से 10 पेटी शराब की जब्त की गई है। सर, इनके पुराने भी कोई प्रकरण दर्ज है सर शराब माफिया के? इसमें देखा जा रहा है, तलाश भी की जा रही है, स्रोत भी मालूम किया जा रहा है कि कहां से लाते थे और कब से ये काम कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।